दोस्तों और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छी वीडियो फिर एक दफ़ा बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज ये वीडियो कराची की नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट फ़िश मार्केट, जी हाँ, ये मछलियों की मार्केट है जिसको हम फिशरी भी कहते हैं। आज हम आपको इसका अंदर से कम्प्लीट इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसका विज़िट कराने की और मछलियों के रेट भी बताएंगे, दिखाएंगे। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये छोटा झींगा है और ये झींगे का जो साइज़ के हिसाब से इनके रेट होते हैं, जैसे साइज है ऐसे ही किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। आज यहाँ पे लाचों का टाइम है और यहाँ लाचें आई हुई है, इस वजह से आवाम का रश बहुत ही और बुरी लग रही है। हर मछली की बीमारी भी आए हुए और दूसरे खरीदार भी यहाँ मौजूद है। ये फिशरी की मार्केट का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं जो बोलियों के ऊपर जो सौदा होता है। यहाँ पे केकड़े भी दस्तयाब हैं, केकड़ों के भी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। इनमें बड़े केकड़े भी हैं, छोटे केकड़े भी हैं। अरे केकड़े का हिसाब है भाई, केकड़ा 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो, ये छोटा है बड़ा है? बड़ा है, बड़ा है, छोटा भी आता है। वो सस्ता, छोटा सस्ता है, 120 रुपये किलो। और ये 500 रुपये किलो। नीचे से ऊपर तक की है सामान। ये बड़ा झींगा क्या हिसाब है? ये है 800 रुपये, 800 रुपये किलो। वो है 650। ये रहा है 1200। कौन सा 1200? कौन सा ये? नाज़रीन, ये वो लाचे हैं जिसके शिकार के ज़रिए मछलियों को फिशरी तक पहुंचाया जाता है और फिर यहाँ से ट्राली में लोड करके जो है मछलियों को आगे मार्केट में लेके जाते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी लाचे हैं। इसके ऊपर मछेरे जो लोग हैं वो समंदर के अंदर कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई हफ्ता मुसलसल पानी में रहकर शिकार करके फिर ये मछलियों को फिशरी में लेके आते हैं। फिर यहाँ उनकी छांटी होती है और छांटी बड़ा छोटा अलग करने के बाद फिर इसको फिशरी में फरोख्त किया जाता है। अब हम आपको उन शख्स से मिलाते हैं जो लाच को शिकार करके मछलियाँ लेके आते हैं। वालेकुम सलाम। यार अभी आप आए हो शिकार से? आए हो? हाँ। कितने दिन रहते हो पानी में? 15 दिन। 15 दिन शिकार के? हाँ। तो ये पानी में काफी आगे तक जाते हैं? इधर किनारे भी शिकार होता है? किनारे पर। अच्छा, कौन सी लाए मछली पकड़ के? हाँ, कौन सी मछली लेके आए पकड़ के? मछली ये गंद की जिला लेके आए और कौन सा मछली? अच्छा, तो आप कितने दिन वापिस आए? 15 दिन। 15 दिन। हाँ। अच्छा, नाजरीन आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त पानी के छोटे बड़े स्टीमर पे खड़ा हूँ कि मछलियाँ लेके आती है समंदर से। और अभी मैंने आपसे इसके ड्राइवर से भी बात कराई है। अरे कौन सी मछली है ये इतनी लंबी लंबी? चिंद। कौन सी मछली है ये? चिंद। चिंद, चिंद मछली है। क्या किलो होती है ये मछली? क्या किलो है? 500 चलता है, 600 भी चलता है, 800 भी चलता है। खाने वाली हलाल है? खाने वाली। अच्छा, ये कब आए शिकार करके? आज ही आई है? आज ही? रोज आती है? डेली नहीं, डेली नहीं है, 5-6 दिन का लाए। एक लाच कितने दिन रहती है पानी में? पानी में कितना दिन निकलती है? 15 दिन भी निकलती है, महीना भी निकलती है, 30 दिन। अच्छा, 6 दिन भी निकलती है, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं नाच वाले। हाँ, अरे है कौन सी मछली भाई? सोल है। सोल क्या हिसाब दे रहा हूँ किलो?
इसमें कितने कांटे होते हैं? बड़े दाने महंगे और छोटे दाने सस्ते। दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी, जैसे हमें वीडियो बनाने में आसानी हुई हमने आपके लिए वीडियो बनाई। असल में यहाँ प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे आवाम का रश बहुत ज़्यादा था, शोर बहुत ज़्यादा था, चलने फिरने में और वीडियो बनाने में बड़ी परेशानी थी। फिर भी हमने कोशिश की कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के वीडियो बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ के रेट बताएँ, मछलियाँ बताएँ आपको किस तरह पकड़ी जाती हैं और किस तरह ये लोग समंदर में कितने दिन रह के मछलियों का शिकार करके हम तक पहुँचाते हैं, ये हमने कोशिश की आपको दिखाने की। अब हम अपनी वीडियो को अपने कैमरे को लेके चलते हैं बाहर की तरफ और वीडियो का आहिस्ता आहिस्ता इख्तराम करते हैं। चलिए, आप जो व्यू देख रहे हैं ये बाहर का व्यू है इसका। पिछड़ी के बाहर जो ना मछलियाँ ढेरी के हिसाब से फरोख्त हो रही हैं, ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। एक और बात यह है कि यार्ड के अलावा बाहर की साइड भी जो मछलियाँ ढेरी के हिसाब से ही मिलती हैं और किलो के हिसाब से ही मिलती हैं। ये फिशरी के बाहर के साइड की वीडियो है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की और मुख्तलिफ़ साइज़ की मछलियाँ हैं, तो यहाँ भी जो है हर मछली का एक अलग अलग रेट है। कोई साइज़ के हिसाब से है तो कोई मछली की नस्ल के हिसाब से है, कोई कांटे के हिसाब से है, लेकिन बहरहाल इस दौर के हिसाब से मछली यहाँ भी मैंने देखा कि महंगी थी। मछली आखिर मैंने भी ले लिए। अब मैं आया हूँ बिल्कुल बाहर की तरफ। यहाँ जो है मछली ख़रीदने के बाद यहाँ पे मछली को काटने का भी माकूल इंतज़ाम है और बड़ी तादाद में ये कसाई मछली काटने वाले यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये बैठे हैं। ये किलो के हिसाब से या फिर जितनी आपकी तादाद मछली है सबका आप इनके साथ बात कर लें तो उसी हिसाब से फिर ये आपसे पैसे लेके आपकी मछली को आपके हिसाब से पीस कर देते हैं ये। अब हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।